हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लोबर्ड के आई इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद लोबर्ड की आई इन्फेक्शन के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों, यह वीडियो मैं पार्ट वाइज लेके आऊँगा। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि लोबर्ड के आई इन्फेक्शन का इलाज घर पे कैसे करें और कौन सी मेडिसिन के द्वारा करें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोबर्ड में आई इन्फेक्शन की जो बीमारी है, ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरल बीमारी है। अगर आप अपने बर्ड्स को कॉलोनी या बड़े पिंजरे में एक साथ रख रहे हैं तो आपको हर रोज़ एक बार अपनी सभी लोबर्ड पर नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी धीरे धीरे सभी बर्ड्स में फैल जाती है। और अगर आप समय के साथ बर्ड्स को अलग मेडिकल केजेस में रख कर इलाज ना करें तो आपका बर्ड्स अंधा भी हो सकता है और मर भी सकता है, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं आई इन्फेक्शन क्यों होता है। दोस्तों, जब मौसम बदलता है तब लोबर्ड में ये इन्फेक्शन होने का चांस बनता है, या केजिस कॉलोनी की सफाई हम ना करें, या जब भी हम ब्रीड लेते हैं लोबर्ड की तो जो लोबर्ड का नेक्स्ट होता है, जो लोबर्ड का बॉक्स होता है, तो उनकी जो नेक्स्ट मटेरियल होती है, उनकी जो लोबर्ड के बॉक्स की घास होती है, उसे भी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके यहाँ ब्रीड निकलती है तो उनमें जो बच्चे होते हैं वो पोटी करते हैं, तो जो पोटी होती है वो जम जाती है और इसमें कीटाणु वगैरह भी फैल जाते हैं, कीटाणु वगैरह पनप जाते हैं। तो जब हम सफाई नहीं करेंगे बॉक्स की, तब भी लोबर्ड में आई इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। दोस्तों, जब मच्छर इनके आंखों के पास से काटते हैं तब भी बर्ड्स की आंखों में खुजली होती है, और जब बर्ड्स की आंखों में खुजली होती है तो बर्ड्स जाली या स्टिक से अपनी आंखों को खुजाते हैं, तो उनकी आंखों में से पानी निकलने लग जाता है और आंखों के किनारे रेड झिरी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है लोबर्ड की आंखों में इन्फेक्शन होने का। और दोस्तों, कई भाई लोग कॉलोनी या केजेस ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, जैसे कि कोई रूम में बनाते हैं जहाँ पर खिड़की वगैरह ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी लोबर्ड में आई इन्फेक्शन हो जाता है। और बहुत बार क्या करते हैं दोस्तों, जब हम मार्केट से या किसी दूसरे भाई से लोबर्ड परचेज़ करके लेके आते हैं और देखे बिना या उनको मेडिसिन का कोर्स करवाए बिना, एंटीबायोटिक का कोर्स करवाए बिना अपने सभी लोबर्ड के साथ छोड़ देते हैं, तब भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उन सभी बर्ड्स में से किसी एक बर्ड्स को इन्फेक्शन हो तो वो धीरे धीरे कॉलोनी में सभी बर्ड्स को हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आगे आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। और दोस्तों, जब भी हम कोई गलती कर देते हैं तो फिर उसका जो परिणाम है वो हमारे बर्ड्स को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, थोड़ा बचे ऐसी गलतियों को करने से। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा और उसमें आपको इलाज करके बताऊँगा लोबर्ड का, कि लोबर्ड के आई इन्फेक्शन में इलाज कैसे किया जाता है और क्या मेडिसिन यूज की जाती है, कौन सी मेडिसिन लोबर्ड को दी जाती है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो तक की इजाज़त ले।